नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं बुलेटिन से जुड़ी खास खबरों की ओर। नगर में 6,23,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली रिटर्निंग वाल व अन्य निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। उद्यान का किया गया लोकार्पण और सांसद द्वारा उद्यान की कमी पेशी को पूर्ण करने की कही बात। पानसेमल नगर में आज सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, पूर्व जल मंत्री अंतर सिंह आर्य सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा नगर में विभिन्न निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन एवं लोकार्पण के कार्य संपन्न किए गए। नगर में गोवाई नदी के किनारे 6,23,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली रिटर्निंग वॉल का भी भूमि पूजन करते हुए नगर के प्लॉट में एवं वार्ड 13 में 2 अन्य निर्माण कार्य के भूमि पूजन किए गए। साथ ही नगर के एकमात्र उद्यान जिसका लगभग 4 वर्षों से निर्माण किया जा रहा था उसका लोकार्पण सांसद व अन्य गणमान्य द्वारा किया गया। इस दौरान उद्यान में झूले नहीं होने व अन्य कार्य के नहीं होने के बारे में पूछे जाने पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि कमी पेशी की जानकारी लेकर उसे शीघ्र ही पूर्ण करवाया जाएगा। इस दौरान भूमि पूजन के पश्चात नगर में परिषद की निकट मंचीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था जिसमें 5 बच्चों को साइकिल वितरित की गई और सुशीला देवी, उमराव सिंह पटेल सेवा संस्थान खरगोन बड़वानी द्वारा टीबी के मरीजों को पोषण आहार भी वितरित किया गया। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत जिन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया था उन्हें भी मंच पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, पूर्व जेल मंत्री अंतर सिंह आर्य, नगर परिषद सीएमओ शिवजी आर्य, बीएमओ डॉक्टर अरविंद किराड़ी, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि लोकेश शुक्ला, नगर परिषद उपाध्यक्ष मनोज चौधरी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीला विनोद वसावे, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद वसावे, नगर परिषद कर्मचारी एवं पार्षद गण सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष हमारी भाभी शुक्ला जी को, पूरी नगर परिषद को बधाई देता हूँ कि विगत 5 वर्षों के इस कार्यकाल में एक नहीं करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले खरंजे, रिटेनिंग वाल, पुलिया, इस प्रकार के अनेक प्रकार के काम हुए हैं। कई बात केंद्र सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो हितग्राही योजनाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास को भी जोड़ा जाए, जिसमें आयुष्मान कार्ड की योजना को भी जोड़ा जाए, जहाँ पर हमको बहनों को मिलने वाली उज्ज्वला योजना के अनेक प्रकार की योजना का लाभ यहाँ पर हितग्राही को। आज मैं इसके कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। गार्डन की आपने बात कही है उसका फिर से रिनोवेट करके उसका निर्माण काम किया जा रहा है। अभी हमने आज गार्डन का भी लोकार्पण किया है, उसका काम चल रहा है। मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जो कमी पेशी है आप भी मीडिया के साथ में होने के कारण आप बताएं और निश्चित तौर पर ये परिषद उसको पूरा करेगी।